नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सच द रियलिटी और मैं हूं आपके साथ दिशा जैन। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सोमवार को गुवाहाटी में एक पति पत्नी की जोड़ी को नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अमिनगांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बस को रोकने पर स्पेशल टास्क फोर्स असम ने दो आदतन ड्रग तस्करों को पकड़ा जो बस से यात्रा कर रहे थे। पकड़े गए ड्रग तस्करों की पहचान मोहम्मद खुर्शीद अली हमीदा बेगम के रूप में हुई। एसटीएफ ने तस्करों के पास से 140 ग्राम हेरोइन से भरे 12 साबुन के डिब्बे और दो मोबाइल फोन बरामद किए। आगे की पूछताछ जारी है। एक सफल ऑपरेशन में एसटीएफ असम ने असम के सोनापुर इलाके में एक लॉज से गेंडे का सिंह बरामद किया। इंस्पेक्टर कपिल पाठक के नेतृत्व में सोनापुर के जोगडोल इलाके के एक लॉज में छापेमारी की गई, जहां 715 ग्राम वजनी गेंडे का सिंह बरामद किया गया। पुलिस ने बरामदगी के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान मोहम्मद इकराम हुसैन, मोहम्मद रजब अली और मोहम्मद अमीरुल इस्लाम के रूप में हुई। इस दौरान उनके पास से तीन मोबाइल फोन और दो स्कूटर भी जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व की यात्रा से पहले कोहरा रेंज में जीप सफारी 7 मार्च से 9 मार्च तक बंद रहेगी। जीप सफारी के साथ साथ कोहरा रेंज में हाथी सफारी 8 से 9 मार्च तक बंद रहेगी। इस बीच राष्ट्रीय उद्यान की अन्य रेंजों में हाथी सफारी और जीप सफारी हमेशा की तरह जारी रहेगी। अनुभवी राजनेता और असम के पूर्व शिक्षा मंत्री रमानी बर्मन का सोमवार सुबह निधन हो गया। बर्मन लंबे समय से बीमार थे और आज सुबह नलबाड़ी में उन्होंने अंतिम सांस ली। रमानी बर्मन ने 1978 में राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान सोमवार को राष्ट्र को समर्पित किया गया। असम के धेमाजी के दिरपाई चपोरी में निर्मित संस्थान का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। उद्घाटन समारोह में असम के शिक्षा मंत्री रोनुज पेगू और सांसद प्रदान बरुआ सहित अन्य प्रमुख नेता शामिल थे। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी मार्लिना ने सोमवार को विधानसभा में अरविंद केजरीवाल सरकार का बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। आतिशी ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत ये सम्मान राशि दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को वोट के बदले नोट मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया। अगर कोई सांसद या विधायक सदन में नोट लेकर वोट देता है या भाषण देता है तो अब उस पर मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच ने सदन में वोट डालने और भाषण देने के लिए रिश्वत लेने पर सांसदों एवं विधायकों को अभियोजन से छूट देने के 26 साल पुराने फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि अब कोई भी सांसद या विधायक पैसे लेकर न तो सदन में भाषण दे सकते हैं और न वोट, और अगर ऐसा करते हैं तो उन पर मुकदमा चलेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1998 वाले फैसले को पलट दिया है। लालू यादव के परिवारवाद वाले तंज के बाद गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और अन्य पार्टी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समर्थन में X.com पर अपना बायो बदल लिया। सभी ने अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख लिया है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तापस रॉय ने पार्टी की कार्यप्रणाली पर निराशा व्यक्त करते हुए सोमवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। तापस रॉय ने ऐसे समय में इस्तीफा दिया है जब देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अब अटकलें हैं कि वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 और 5 मार्च को तेलंगाना के दौरे पर है। इस दौरान आज उन्होंने तेलंगाना के शहर आदिलाबाद में सभा को संबोधित करते हुए 56,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। आदिलाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में बिजली, रेल और सड़क क्षेत्रों से संबंधित 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जुड़े रहिए सच द रियलिटी के साथ।